थोड़ी शक्कर देना मुझे। अरे मैं नहीं रुक सकती, मैंने चाय ना गैस पर रख कर आई हूँ, अगर चाय उबल गई ना तो खराब हो जाएगी, दूसरी बार चाय उबल गई तो गैस बंद हो जाएगी तो वहाँ पर पूरे घर में लीक होनी शुरू हो जाएगी, और बिट्टू के पापा घर पे हैं, अगर गलती से उन्होंने माचिस जला दी तो पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा, अरे माचिस की तीली तो खराब होगी होगी, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। अरे 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 बस कीजिए शांति जी, इतना दूर तक सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं मालूम था थोड़ी सी शक्कर देर से देने में इतना सोचेंगी आप। दीजिए शक्कर लाती हूँ, जल्दी से लाना। रोज सुबह बकबक करने चली आती है, भगवान करे इसकी आवाज इतनी भद्दी इतनी भारी हो जाए कि कभी मुंह ही ना खोल पाए। ये लीजिए। थैंक यू। मुझे आपकी आवाज को क्या हो गया? मुझे क्या पता। मम्मा नानी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जया ठीक कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक भोले भाले इंसान पर जादू का इस्तेमाल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप उसे भोला भाला और कमजोर कहती हैं। आप एक दिन के लिए यहाँ इंसान बनकर रहकर देखिए, आपको पता चलेगा वो कितनी भोली भाली और कमजोर है। एक दिन क्यों, मैं दो दिन यहाँ रहकर बताऊंगी और तुम्हें साबित करके बता दूंगी कि बिना जादू के भी मामूली इंसान बनकर रहा जा सकता है। ओहो, तो आप इंसान बन ही गई है। तो चलिए औरत के दिन की शुरुआत सुबह सुबह किचन से होती है, आइए आइए। मम्मा इन दोनों को रोको। जिया बेटा, इनके बीच में झगड़ा और तकरार तो चलता ही रहता है, आपस में निपट लेंगे, तुम रहने दो। तुम इंसान लोग कांदा कैसे काटते हो, मेरी तो आंखें जल रही हैं। चलो पता तो चला ना इंसान बनकर जीना कितना मुश्किल है। जरा वो एक चुटकी भर लाल मिर्च की बुकी इसमें डाल दीजिए। ओह इतना पानी बह रहा है, हम इंसान तो यूं ना अपनी आंख पोंछ लेते हैं उंगली से। हाँ है? क्या हुआ? कुछ नहीं, इस नए नए इंसान ने मिर्ची वाली उंगली अपनी आंख में लगा दी। अरे मेरी आंखें जल रही, कुछ करो। रानी देवी मैंने जादू किया वरना आपको बहुत तकलीफ होती। वैसे चुटकी भर जादू की जरूरत इंसान को होती है, वरना जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी भी वक्त है, सोच लो और वापस चली जाओ। कभी नहीं। नमस्ते जय बेटे, आज रात को हम कार्ड्स पार्टी रखेंगे, मैं क्लिनिक से जल्दी आ जाऊंगा, तुम अपने दोस्तों को भी बुला लो। ओके मैं देखती हूँ कौन कौन फ्री है, पता नहीं ध्रुव आएगा कि नहीं। बाबा बेटे नमस्ते जी, मैंने आपको पहले कहीं देखा है, कहीं आप पप्पू हलवाई की मम्मी तो नहीं? सॉरी सॉरी, यस यस, आप राम खिलाचंद दूध वाले की मम्मी है, राइट? मामूली फर्क, अभी चला के भस्म कर दूंगी तुझे। रानी देवी, ओ माय गॉड, और इस साधारण कपड़ों में अब आपको कौन कैसे पहचानेगा? समझ में आया कितना मुश्किल है इंसान बनकर जीना, अभी पहली मुलाकात में तो आप इसे भस्म करने का सोच रही है। मैं इस सैंपल को रोज झेलती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ रानी देवी, आज शाम की पार्टी में आप भी जरूर आइएगा। ओके बाय। वो मिर्ची वाली, वो लाल मिर्च वाली चुटकी भर बुकी देना। अब नहीं फंसूंगी तेरी चाल में। अरे तुम्हारी आंखों का क्या लग गया? क्या लग गया ये देखो। वैसे इंसान बनने में अपना ही एक मजा है ना? मैंने कहा भगवान जरा एक कप चाय पिला दो। बनाती हूँ। कौन बुला ये सब? कौन छुपा यहाँ पर? हाय रब्बा, ये मेरी आवाज को क्या हो गया? मैं तो किसी से बात भी नहीं कर सकती। मैं पूछता हूँ कौन मर छुपा इस घर में? बाहर आओ। अंकल यहाँ तो कोई भी नहीं, आप किस पे चिल्ला रहे हैं? सिर्फ मैं और आंटी ही तो है। आंटी मैं आज रात को अपने फ्रेंड्स को कार्ड पार्टी पे इनवाइट करना चाहती हूँ, बुला लो। हाय रब्बा, इसके सारे फ्रेंड्स सारी रात खाएंगे पिएंगे, मैं तो लुट जाऊंगी ना। आपको कोई एतराज नहीं है? थैंक यू सो मच। अच्छा आप हाँ कह रही हैं, आपको मेरे फ्रेंड्स का आना मंजूर है? थैंक यू सो मच आंटी, आप कितनी अच्छी हैं, यू आर सच अ डार्लिंग। बाय आंटी। एतराज है। ये कमरा साफ करती हो? हाँ मैं तो
उतना सा कमरा थक गई, कमर दुख रही है। अभी हॉल की सफाई बाकी है। हाँ? तुम रोज ही कमरा साफ करती हो? रोज करती हूँ, लेकिन आपकी तरह मैं थकती नहीं हूँ। एक चुटकी बजाई सब कुछ साफ हो गया। हाँ? तुम चुटकी बजा के सारा कमरा साफ करती हो और मुझे काम करवा रही हो? इंसान बनने का शौक किसे था, आपको या मुझे? मुझे नहीं था। नहीं है बाबा, माफ करो, नहीं है। वैसे ये मांगने की नई स्टाइल सीख ली है तुमने और अपनी मधुर आवाज का घर पर छोड़ाई हो। हे भगवान, मेरी आवाज वापस लौटा दे। बेटे बोलो बोलो बोलो, शायद आवाज वापस आ गई हो, बोलो, कोशिश करो। हाँ हाँ, हेलो, टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। ये मेरी पुरानी दोस्त है। आपकी पुरानी दोस्त है, लेकिन यहाँ कभी नहीं आई, आप कहाँ रहते हो? मैं खड़ा हूँ लखनऊ में। अरे लखनऊ में तो मेरे सारे रिश्तेदार रहते हैं, आप कौन से मोहल्ले में रहते हो? पहले मैं लखनऊ में रहती थी, अब दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में? अरे आप तो मेरे शहर की निकली, मैं भी दिल्ली वाली हूँ। आप दिल्ली की कौन सी गली में रहते हो? करोल बाग में। करोल बाग में? अरे मेरा घर भी करोल बाग में है। आपके मकान का नंबर क्या है? ये औरत है या जी का जंजाल, ये तो पहले ही अच्छी थी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या पूछ रही थी? देखा, चुटकी के बिना रहना कितना मुश्किल है। वैसे इंसान बन के जीना ही बहुत मुश्किल है। मैं तो अभी भी कहती हूँ आप जरा वापस चले जाइए। प्लीज गो। बेस्ट, हम लोग चकली सिलाएंगे। चकली नहीं, वो जो रॉकेट होते ना, पी और बहुत अनार। हाय फ्रेंड्स। हेलो पैम, आज रात को मैंने अपने घर में कार्ड पार्टी रखी है, तुम लोग आओगे ना? वाओ, कार्ड पार्टी, आई लव कार्ड पार्टीज। मैं तो आ रहा हूं, मैं भी आऊंगा 100%। तो फिर मैं भी आऊंगी। ठीक है, आज रात को 8 बजे मेरे घर पे। हाय नीता। ओह हाय जिया। नीता, आज शाम को मेरे घर पे कार्ड पार्टी है, तुम सब आ सकते हो? हम लोग तुम्हारा नहीं, पैम के वहां जा रहे हैं, समझी? जिया, मैं तो तुम्हारे यहाँ ही आऊंगी। मीता, मैं सोचा था कि मैं तुम्हें पिकअप करके पैम के यहाँ ले जाऊंगा, बट इफ यू डोंट वांट टू कम, इट्स ओके। ना क्या? ओह रियली? मुझे बताया कि नहीं कि तुम मुझे लिफ्ट देने वाले हो? जिया, आई एम सॉरी, यू अंडरस्टैंड ना, मैं राजा को कैसे रिफ्यूज कर सकती हूँ? इट्स ओके मीता, मैं मम्मी पापा के साथ ही खेलूंगी। जिया, मम्मी पापा के साथ खेलने के सिवाय चारा भी कहाँ है उसके पास? कोई और दोस्त तो रहा नहीं उसका, और वैसे भी वो दोस्त बनाने लायक है। जिया, I'm really sorry. वो तो सिर्फ राजा की वजह से मैं उस पैम के घर पे जा रही हूँ, वरना तो उस चुड़ैल पैम के घर पे मैं कभी अपने पैर भी ना रखूँ। इट्स ओके मीता, मैं समझ सकती हूँ। अगर मेरे दोस्त नहीं है तो आज तेरे दोस्त भी नहीं रहेंगे, सब तुम्हारी कार पार्टी में आने से मना कर देंगे। श्रृंग भृंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदले, सारे दोस्त दुश्मन बन जाए, कोई पार्टी में ना जाए, सबके सब अभी मना करके जाए। मैं और तुम्हारी पार्टी में आऊंगा हरगिज नहीं। मैं भी कभी नहीं आऊंगा, नो नेवर। मैं और तुम्हारी पार्टी में नेवर, नहीं नहीं हरगिज नहीं। इन सबको क्या हो गया अचानक? जिया, अगर खबरदार, तुमने अगर अपने घर पे मुझे बुलाया तो मैं तुम्हारी पार्टी में बिल्कुल नहीं आऊंगी। हाँ खबरदार, अगर मुझे भी अपनी कार पार्टी में बुलाया तो मैं बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। हाँ मेरा जादू हमेशा उल्टा क्यों पड़ जाता है? चलो भाई, सब लोग अपने 5-5 काउंटर्स डाल दो अंदर। शांति जी, आइए आइए, अच्छा हुआ कि आप आ गई, चलिए खेलते हैं, ये लेना देना तो चलता ही रहेगा। आइए आइए बैठिए। तो देखो अभी अभी गेम शुरू हुआ है, पत्ते भी नहीं खोले अब तक। आइए आंटी, आप मेरी जगह पे बैठिए। आइए बैठो भाई। कुछ दांव पर लगा देती हूँ, पता नहीं फिर मौका आए या ना आए। क्या हो रहा है भाई? No problem, जैसे आपकी मर्जी, हमारा दिल भी बहुत बड़ा है,
भाई शांति जी चाहती है कि ये गेम हार या पार हो, क्योंकि उसके घर में पार्टी चल रही है, इसलिए एक ही दाव में सब कुछ लगा देना चाहती है। हाँ वैसे लगाओगी क्या दाव पे? अरे नहीं नहीं शांति जी ऐसा मत कीजिए, सब कुछ हार गई तो नो प्रॉब्लम। अच्छा भाई अब सब लोग अपने अपने पत्ते खोल दो, जिसके पास सबसे भारी पत्ते होंगे जीत उसी की होगी नेचुरली। सबसे पहले दामाद जी। मेरे पास तो सिर्फ एक रानी है, एक दसी और एक चौकी। मेरे पास दो रानियां हैं, मेरे पास एक रानी, सात और नौ। और मेरे पास क्या है? मेरे पास तो है तीन रानियां। जी मेरी हुई। तीन ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही पैक में सात सात रानियां? चीटिंग, किसी ने चीटिंग की है। तुम्हारी सास ने। देखो मुझे रानियों की चीटिंग से कुछ नहीं लेना है, जीत मेरी हुई है, मेरे पास तीन इक्के हैं, ये देखो। मेरे कंगन।